ये है सोलर पावर प्लांट की सबसे बड़ी फॉल्ट। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर इज माय पैशन भी है और सोलर इज माय पैशन इज अ वेरी अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको सोलर से रिलेटेड और भी ज़्यादा पॉलिसी बिल्डअप वीडियोस और नए नए ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो आप अजीत बहादुर सर का भी आप वीडियो देखिए। सो हिज वीडियो लिंक्स आर अवेलेबल इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो गाइस दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के इक्विपमेंट के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस। ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोज ज़्यादा देखना पसंद करते हैं फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, और इंटरेस्ट रखते हैं फॉर एसी साइड प्रोटेक्शन, कि अगर सोलर प्लांट को हम ग्रिड सिंक करते हैं, मतलब ग्रिड से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, सो विच इज़ दैट मेन इक्विपमेंट जो हमको सोलर प्लांट के ग्रिड से इंटीग्रेशन के बीच में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बहुत दिनों से ये वीडियो मैं प्लान कर रहा था और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप इंटरफेस प्रोटेक्शन रिले के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो गाइज़, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि जब भी आप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करते हो, सो देयर आर मैनी एबनॉर्मैलिटीज़ जिसकी वजह से आपका सोलर प्लांट ट्रिप हो सकता है या सोलर प्लांट के परफॉर्मेंस की वजह से ग्रिड को भी खतरा हो सकता है। मींस आपके ग्रिड में जितना भी लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज चल रहा है, आपके सोलर प्लांट को हूबहू वही जनरेट करना होता है, वरना आपका जो सिस्टम वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रॉट होगा, आपका पूरे सिस्टम का या ओवरऑल ग्रिड का पावर फैक्टर भी डिसरप्ट होने का बहुत बहुत हाई चांसेस होता है। जो सबसे बड़ा रीज़न होता है एक इंटरफेस प्रोटेक्शन रिले को यूज़ करने का, वो ये होता है कि जब भी आप थ्री फेज सिस्टम्स में डील कर रहे होते हैं तो एक ट्राई वेक्टर सिंक नाम का प्रोटेक्शन होता है। अब इसको मैं आपको बेसिक हिंदी में या इंग्लिश में समझा दूं तो होता क्या है कि जब आप किसी थ्री फेज सिस्टम में डील करते हो, सो इट हैज़ अ डिफरेंट फेज सीक्वेंस एंगल। ठीक है, तो उस फेज सीक्वेंस एंगल में मान लीजिए आर वाई बी तीन कनेक्शन है, तो हम जो भी लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आर वाई बी सिस्टम्स में। मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है और आपके वहाँ पे थ्री फेज का सप्लाई है आर वाई बी का, अगर आप सारे रनिंग लोड को आर पे कनेक्ट कर दोगे, वाई बी छोड़ दोगे, तो आपके सिस्टम का जो फेज सीक्वेंस क्वालिटी होगा, जो वेक्टर फेज क्वालिटी होगा, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की कोशिश करेगा एक ऐसी डायरेक्शन में जो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो यही कंडीशन होती है गाइस जहाँ पे आपके सिस्टम का पावर फैक्टर डिसरप्ट होने की कोशिश करने लगता है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर हो चाहे सोलर का सेंट्रल इन्वर्टर हो, वो पावर फैक्टर के डिसरप्शन को एक्सेप्ट नहीं करता और आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। ये इसलिए ट्रिप हो जाता है बिकॉज दिस इज़ अ सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर। वो ये कहता है कि हम ग्रिड को उसके ग्रिड कोड के अकॉर्डिंग तभी हम पावर इंजेक्ट करने के लिए देंगे जब द ग्रिड रेफरेंस वोल्टेज और सोलर से जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम द एसी साइड विल बी इन कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो अब इन्वर्टर में कोई ऐसी फॉल्ट ना आ जाए कि इन्वर्टर का आउटपुट ग्रिड की तरफ कुछ गलत डाल दे या ग्रिड की तरफ से कोई ऐसा सर्ज ना आ जाए जो इन्वर्टर को ट्रिप कर दे, तो इसके बीच में हम एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस। सो इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस इज़ अ मैकेनिज्म, अ स्मॉल टूल, इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक रिले जिसके अंदर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, रोको प्रोटेक्शन, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसके वैल्यूज़ को हम अपने ग्रिड कोड के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं उसमें। सो जस्ट इन केस कोई भी सेट वैल्यू से ऊपर नीचे प्लस माइनस कुछ होता है, सो दिस सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेट्स योर सोलर पावर प्लांट फ्रॉम द ग्रिड। इस प्रोटेक्शन रिले की सबसे अच्छी बात ये है कि जस्ट इन केस ये आपके सिस्टम को अगर ट्रिप कर दे तो आप अपने सिस्टम को तब तक नहीं एनर्जाइज कर सकते हो जब तक वो फॉल्ट एरर आप रिमूव ना कर दो सिस्टम से। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस में क्या होता है जब लोग प्रोटेक्शन रिले नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक है अब फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज नॉर्मल आ रहा है, वी कैन एनर्जाइज द सोलर पावर प्लांट, उसी टाइम ACDV में धमाका होता है जब आप बिना टेस्टिंग किए अपने सोलर प्लांट को एनर्जाइज करने की कोशिश करते हो। तो इस सिस्टम का गाइस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जब तक इसको फेज सीक्वेंस, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फ्रीक्वेंसीज के सारे पैरामीटर्स या अर्थ लीकेज नॉर्मल नहीं मिलता है, यू कैन नॉट बाईपास द रिले, यू कैन नॉट एनर्जाइज द सोलर पावर प्लांट। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सोलर का ACDV पैनल है। ठीक है, ये मेन ब्रेकर है। ठीक है, और बाकी इंडिविजुअल चार ब्रेकर लगे हुए हैं। ठीक है, चार अलग अलग इन्वर्टर हैं, चारों को कंबाइन करके एक हमने कॉमन ब्रेकर लगाया। तो इस कॉमन ब्रेकर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसका इन मतलब ऑफ करने वाला, ऑन करने वाला जो भी फंक्शन है हम इसको मैनुअली नहीं कर रहे हैं, हमने इसको इंटीग्रेट कर रखा है अपने इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस से। देखिए, इसके ऊपर नाम दिया है IPR प्रोटेक्शन। ठीक है,
तो ये इंटरफेस प्रोटेक्शन 10-10 मिनट के इंटरवल पे चेक करता है कि आपके फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ठीक है, न्यूट्रल टू अर्थ कितना चल रहा है, ठीक है। तो अर्थ प्रोटेक्शन रिले के देने के लिए हमने देखे यहाँ पे एक अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन रिले लगा रखा है कि आपके अर्थ साइड से अगर कुछ ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स सिस्टम में लीकेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो भी ये सिस्टम जो है ट्रिप मार देगा, तो ठीक है। गाइज़ मेरी नज़र में ACDB में अगर आप इंटरफेस प्रोटेक्शन रिले इंस्टॉल करते हो, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर सिस्टम, बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जस्ट इन केस ग्रिड साइड से कोई फॉल्ट या फ्लक्चुएशन आती है तो ये आपके सोलर पावर प्लांट को ट्रिप कर देता है, और आप तब तक अपने मेन ब्रेकर को बाईपास करके नहीं ऑन कर सकते जब तक इसके एरर लॉग में से वो फॉल्ट आप क्लियर ना कर दो। मतलब यू विल बी ऑलवेज इंश्योर्ड कि सोलर प्लांट को स्टार्ट करने से पहले वो जो फॉल्ट आ रही थी जिसकी वजह से सिस्टम ट्रिप हुआ था वो हटेगी, तभी आपका सोलर प्लांट स्टार्ट होगा। नहीं, बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं होता कि बस बार में कुछ फेलियर आ गया है, केबल कहीं शॉर्ट हो गया है या केबल मेल्ट हो गया है, और वो बिना जाने सोचे ऑन कर देते हैं और पैनल के अंदर बहुत धमाका हो जाता है क्योंकि सब कुछ शॉर्ट हो चुका होता है। तो उस चीज़ से ये आपको यहाँ पे बचाता है, ठीक है। सो इट्स अ रियली कूल डिवाइस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम AC साइड। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर सोलर से रिलेटेड आपको और भी प्रैक्टिकल वीडियोस देख रहे हैं, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ आर ऑल लाइंड अप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो वैसे वीडियोस आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। इट्स ऑल प्रैक्टिकल गोल्डन नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।